بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. صدق الله العظيم. काबिल क़दर सामये मोहतरम आज की गुफ्तु कानवान हज़ूर अक्रम सला वसम के मुसलमानों पर हकूक़ जनाब नबी करीम सल्ह वसलम के अपनी उम्मति पर हकूक़ हैं उनकी अगर बात की जाए तो उसके बारे में कुरान मुक़दस और अहादीसी रसूल सल्हस हमें इस बात की रहनुमाई करती हैं कि रसूल अक्रम सला वसलम के तमाम हकूक़ में से सबसे पहला हक ये है कि हर उम्मती आप सल्ला वसलम पर ईमान लाए और आपकी तस्दीक करें अब ईमान लाने का क्या मतलब सबसे पहली बात यह है कि आपको अल्लाह का सच्चा रसूल माने और दूसरी बात यह है कि वो जनाब नबी करीम सलील्ह वसम को आखिरी नबी माने आप पर ईमान लाने की दलील कुरान मुक़दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं या एहलीन आमनू आमीन बिल्ला व रसूलिही ऐ ईमान वालो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ दूसरे नंबर पर यह आयत जो शुरू में तिलावत की गई इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुब्शरों व नज़ीरा लितमिन बिल्ला व रसूलिही ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर तो सबसे पहला हक रसूल अक्रम का ये है कि हर उम्मती आप पर ईमान लाए दिल से कि आपको अल्लाह का सच्चा नबी माने और फिर आपको आखिरी नबी माने अब आपके के आखिरी नबी होने के बारे में भी कुरने मुकदस में अल्ला रब्ज़त फ़रमाते हैं माकान महमदाअबाद मिलकुम वला के रसूल अल्लामनबी के हज़रत महमद सल्ह वसम आप में से मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं बल्कि वह अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं तो आप पर ईमान लाने का तकाजा ये भी है कि आपको आखिरी नबी माना जाए आपके बाद किसी नबी के आने की कोई उम्मीद भी न रखी जाए और अगर कोई दावा करे तो उस दावे को कबूल भी न किया जाए बल्कि उस दावे को रद्द किया जाए ये आपके ईमान का तकाजा है आप पर ईमान का यह तकाजा है कि आप सल्लाम के बाद अगर कोई बंदा दावा नब करता है तो उसको शद्दत के साथ जुटलाया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के नबी बनने की ना उम्मीद रखी जाए ना यकीन रखा जाए दूसरा हक हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मतियों पर और मुसलमानों पर यह है कि वो आपकी अजमत और आपकी तो़ीर करें वो भी इसी आयत में जो सूर फतह के शुरू में तलावत की गई ले तो मीनू बिल्ल व रसूल ही व तो आज हो व वतुण। तो कि आप अलैहि वसल्लम की नुसरत भी करनी है और आपकी तौकीर और अजमत का भी ख़्याल करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है आपका जो मर्तबा है आपका जो जो अल्लाह रब्ज़त ने आपको मक़ाम दिया है उसका ख्याल रखना है और आप अलैहि वसल्लम को वो उस मरतबे के अतबार से उस मक़ाम के अतबार से आपकी अज़मत इंसान और एक मुसलमान के दिल में होनी चाहिए यह आप सल्ला सक़ है अपनी उम्मती अपने अम्मत के हर हर फर्द पर कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन तमाम अजमतों और तमाम वफातों को जिनको जिनका अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त ने आपको मालिक बनाया है उनका एतराफ़ करे और उनका यकीन करें तीसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ एक उम्मती पर या मुसलमानों पर यह है कि वो हज़ूर अक्रम सल्ला वसम के साथ मोहब्बत करें और ये मोहब्बत वालहाना मोहब्बत हो ऐसे नहीं कि जैसे दुनिया में हम एक दूसरे के साथ दावा करते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है मुझे आपसे प्यार है नहीं बल्कि ऐसी मोहब्बत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में भी इरशाद फरमाते हैं और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदीसी मुबारक भी इस पर जो है वो हमें हमारी रहनुमाई करती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर को फरमाते हैं कि आप इनको कह दीजिए कि अगर तुम्हारे वालदे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खानदान वाले और वो तुम्हारा माल जो तुमने कमाया है या तुम्हारी तजारत अगर तुम्हें हुजूर अकरम और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा महबूब हो गया तो फिर इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह का अमर आ जाए यानी होना यह चाहिए कि सबसे ज्यादा एक इंसान को मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए और हुजूर भी फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून मिन वालिदिही व लादकुम वना नास अजमाइन तुम में से किसी बंदे का दावा ईमान उस वक्त तक कबूल नहीं है उसका ईमान कामिल नहीं है जब तक के मैं यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं उसको उसके वालदेन उसकी औलाद और सारी इंसानियत से ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ तो हुजूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करनी है वालेहाना मोहब्बत करनी है, यानी उस मोहब्बत के बराबर किसी और की मोहब्बत ना हो ना घर वालों की ना रिश्तेदारों की ना इस वकारब की ना वालद की ना औलाद की सबसे बढ़कर और सबसे ज़्यादा अगर प्यार और मोहब्बत करना है तो हजूर अक्रम स के साथ करना है ये आपका हक है अपने उम्मत के ऊपर जितने आप सल्लम के एहसानात हैं जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए जितना आपने अल्लाह से मांगा है और जितना रोए हैं और जितना कुछ इस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से लेकर इस उम्मत को देकर गए हैं वो उसका यह तकाजा है कि आपके साथ मोहब्बत की जाए और वालहाना मोहब्बत की जाए उसके बाद चौथा हक उम्मती का और एक मुसलमान का अपने नबी पर और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि वो आपकी इतबा करे आपकी इताहत करे इसका हुक्म भी कुरान मुकद्दस में अल्ला रब ने दिया अति अल्लाह और रसूल अल्लाह की इताहत करो और रसूल की इताहत करो बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जो रसूल की इतात करता है गोया वह अल्लाह की इतात करता है मई रसूल फ़कद अता जिसने रसूल की इतात की उसने अल्लाह की इतात की तो रसूल अक्रम सला की एतात करना यह आपका हक है उम्मती के ऊपर और याद रखिएगा जैसे मैं पहले अर्ज किया कि मोहब्बत भी आपका हक है और इतात भी आपका हक है और मोहब्बत भी वही काबिल कबूल होती है जिसमें इतात हो जाहिर है कि जो मोहब्बत है उसके कुछ तकाजे होते हैं सबसे बड़ा तक यह है कि जिससे इंसान मोहब्बत का दावा कर रहा है उसकी इतनी अजमत और इतनी तोकीर इंसान के दिल में और इतना मकाम हो कि उसके हुक्म के आगे अपने आप को सर तस्ली ख़म कर दे अपने आप को जुगा दे यानी अगर एक बंदा दावा कर रहा है कि मुझे हजूर अक्रम सलीसम से मोहब्बत है तो फिर इस दावे की दलील क्या होगी ये दलील है कि दुनिया के तमाम अमूर में जिंदगी के हर अमर में उसके जब भी उसके सामने मामला आएगा तो वो ये देखेगा कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है और आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन और क्या रहनुमाई दी गई अगर वो हर मामले में आपकी इतात कर रहा है और इतबा कर रहा है तो इसका मतलब है इसकी मोहब्बत का दावा सच्चा है लेकिन अगर उसके इतात और इतबा के वक़्त वह आप सल्ला व्ल्लम की सुन्नतों को और आपके अवामिर को उनकी इतबा नहीं कर रहा बल्कि पसे पुश डाल रहा है तो इसका फिर दावा मोहब्बत भी सच्चा नहीं है लिहाजा आप सल्लाम की मोहब्बत का जो दावा करने वाला फर्द हो उसको चाहिए कि वो आपकी इतात भी करे और ये आपका हक भी है आपने फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक कोई फ़र्द मुमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाएं जो मैं लेकर आया हूँ हत्या यकून हवा हो तब आलमा जब है यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाएँ जो मैं लेकर आया हूँ गोया आप सल्लाम ने दो हदीसें एक ही अंदाज में फरमाई हैं एक में फरमाया कि मैं उसको सारे जहान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं जिसका मफहम है और दूसरे में फरमाया कि उसकी ख्वाहिश उस दिन के ताबे ना हो जाए जो मैं लेकर आया हूं तो यह आपल्हस का चौथा हक हाँ है और इसके ऊपर खुद कुरान मुकदस में भी अल्लाह रबत फरमाते हैं कि कोई बंदा अगर, अगर अल्लाह से मोहब्बत की का दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं तो फिर उसको चाहिए कि वह हजूर की इतबा करें यानी गोया के अल्लाह अल्लाह से अल्ला ने अपनी मोहब्बत की दलील भी हुजूर की इतबा को करार दिया कुल इनकुन तुम तो हिब्बू अल्लाह फत मेरे हबीब इनको फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इतबा करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा आपकी इतात आपकी बात को मानकर चलना ज़िंदगी के हर हर मामले में हर हर फैसले में आपकी बात को मुकदम करना और उसको तरजीह देना और बाकी सारी बातों और सारी ख्वाहिशात और सारे इरादों को पस पुश डालना यही इतात है और यही हजूर सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम का अपने उम्मतियों के ऊपर और मुसलमानों पर हक़ है ने मोहतरम पाँचवां हक हजूर अकदस का इस उम्मत पर यह है और वो भी कुरान मुक़दस ने हमें बताया है कि ये उम्मत हुजूर को याद रखे और आप पर दरूद दरुद पाक की कसरत करें। कुरान मुक़दस में अल्लाह फरमाते इन अल्लाह यूसल नबी यादी नामूसल वसलम तस्लिमा अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हजूर अक्रम सल्ला वम पर दरूद भेजते हैं रहमत भेजते हैं एमान वालो या यह ना सलोल वसलम तस्लिमा आपको भी अल्लाह का हुक्म है कि तुम हुजूर पर द्रूद भी भेजो और आप पर सलाम भी भेजो गोया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने का एक तरीका है और ये इस वजह से कि जाहिर है कि जितने एहसानात आपके सुमत पर हैं उनका ये तकाजा है कि आपको याद रखा जाए और याद किया जाए और आपको अपनी दुआओं में शामिल किया जाए यानी जब भी इंसान दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसमें द्रुद पाक का अहतमाम करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वैसे भी जब भी वक्त मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए आप पर पाक की कसरत की जाए ये भी आपका हक़ है ये वो हुकूक हैं पांच हुकूक जो मैंने आपके सामने बयान किए इसके अलावा दीगर हुकूक भी बयान किए जाते हैं लेकिन ये वो पाँच हकूक़ हैं जिन पर तमाम उलमाय उम्मत का इतफाक़ है पहला हक ये है कि आप पर ईमान लाया जाए दूसरा हक ये है कि आपकी अज़मत और तोकीर इंसान के दिल के अंदर होनी चाहिए तीसरा हक़ यह है कि आपसे मुहब्बत की जाए चौथा हक यह है कि आपकी इताद का जज्बा इंसान के दिल में हो और पाँचवा हक यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत की जाए अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अपने हबीब के तमाम हुकूक को सही मानों में अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए वाखरदा वन रब्बिल आलमीन